नमस्कार दोस्तों, मैं फिर एक नई ऑडियो वीडियो के साथ आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। पंडित राजगुरु शर्मा, आप सभी का हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में दिल की गहराइयों से अभिनंदन है। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है कि जिन व्यक्तियों के घर में या फ्लैट में, कहीं भी रहने वाले स्थान में जो टोटियाँ होती हैं, जो नल होती हैं, जो मोटर होती हैं, जो पानी की पाइपलाइन होती है, फिटिंग होती है, यदि वो लीकेज है, उनसे पानी टपकता रहता है, तो समझो कि आपका जीवन बर्बाद हो चुका है। बर्बाद होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। दोस्तों, वो कैसे, ये खास जानकारी हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए प्राप्त होती रहे। दोस्तों, मैं बहुत ही स्टीक, बहुत ही खास छोटी छोटी जानकारियां लेकर आता हूं, चाहे इंद्रजाल हो, चाहे ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे वास्तु शास्त्र हो, या फिर फेंग शुई हो। लेकिन आज जो मैं ये जानकारी दे रहा हूँ, ये फेंग शुई और वास्तु शास्त्र के अनुसार दे रहा हूँ। जिन व्यक्तियों के घर में या मकान में, फ्लैट में, दुकान में, कहीं भी पानी की टंकियां, पानी की टोटी, पानी की यानी कि नल या मोटर या पाइपलाइन, पानी की जो लाइन होती है, पाइप होते हैं, वो लीकेज है, तो समझो कि आपके जो घर की बरकत है वो खत्म होती चली जाएगी। धन आना बंद हो जाएगा, कमाई के साधन बंद हो जाएंगे, कर्जा की स्थिति बनती चली जाएगी, यानी कि आप पे भारी कर्जा होता चला जाएगा, नुकसान होते चले जाएंगे, धीरे धीरे आप बर्बाद हो जाओगे। यदि आपके घर में पानी की टंकियां लीकेज हैं, पानी के पाइप लीकेज हैं, या नल लीकेज है, मोटर लीकेज है कहीं से भी, तो उसे तुरंत आप सही कराइए, लीकेज को बंद कराइए। यदि आपके घर में पानी कहीं से लीकेज है, टपकता है, या आपके घर में कहीं सीलन आ चुकी है, तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदायक है। इसलिए आप लीकेज को बंद कराइए, जो आपके जहाँ सीलन आई हुई है उस सीलन को भी ख़त्म कराइए। ये दो चीज़ आपके घर में नहीं होनी चाहिए। यदि आपके घर में ऐसा होता है तो भारी कर्जा सर पे हो जाता है, कमाई के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, धन आने की वजह धीरे धीरे बहने लगता है। जिस तरीका से पानी लीकेज होगा, सीलन आएगी, उसी तरीका से आपकी बरकत घर की ख़त्म होती चली जाएगी। दोस्तों, ये वास्तु शास्त्र और फेंग शुई की बहुत ही सटीक जानकारी है। दोस्तों, यदि आपको मेरी ऑडियो वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। यदि आपको कोई भी और अन्य जानकारी लेनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल भेज सकते हैं या हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम और आप सभी करता हूँ नमस्कार। फिर मिलूंगा नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।